So start with the rapid revision of sexual reproduction in flowering plants. This is very, very important chapter for you. And अगर आप continuous 1 hour, अगर आप continuous आपने देख लिया तो sexual reproduction in flowering plants के जितने भी important question हैं, चाहे आप NEET 2021 देने वाले हैं, 2022 देने वाले हैं या 23 देने वाले हैं, ये तीनों scenario में perfect fit होगा. तो पूरे end तक इस session में बने रहिएगा ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. इस सेशन का वही स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा होगा, वही फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो आप फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं. तो फ़ायदा उठाने के लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होना चाहिए, तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. Sexual reproduction is the process of development of new organism through the formation of fusion of gametes. मतलब कि नए नए gametes आपस में fuse होते हैं, gamete आपस में fuse होके, नए नए gametes आपस में fuse होके, male और female gamete आपस में fuse होके zygote का निर्माण करते हैं. zygote इससे उत्पन्न होता है. The organism which is specialized to perform a sexual reproduction in angiosperm is flower. एक कैमेरियस साइंटिस्ट थे, कैमेरियस ने सबसे पहले लोगों को बताया कि फ्लावर जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है और इसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा मानते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, दिस इज आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. लुक ओवर हियर, दिस इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट और इस एंजियोस्पर्मिक फ्लावर से प्लांट प्रोड्यूस हुआ, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से फ्लावर प्रोड्यूस हुआ. दिस फ्लावर हैविंग द टू पोर्शन, वन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड अदर इज कॉल्ड गाइनेशियम. एंड्रोसियम में मेल पार्ट होता है, मेल इज प्रोड्यूस द स्टेमन, स्टेमन हैविंग द एंथर, एंथर हैविंग द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स, दे प्रोड्यूस अ मेल गैमेट्स. दूसरे सिनेरियो में देखें तो फ्लावर के अंदर फीमेल पोर्शन भी होते हैं, फीमेल हैविंग द कार्पेल एंड पिस्टल, कार्पेल एंड पिस्टल हैविंग द ओवरी, ओवरी हैविंग द ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियम. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम द 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस. Out of 4, 3 degenerate and 1 survive, and 1 survival megaspore is capable to formation of a female gamete. The female gamete are formed, the male gamete are formed, both are combined to each other to form a zygote. This is a 2N. They form an embryo, embryo lead to the ovule, and ovule finally lead to the seed. Or seed ko jab hum germinate karate hain, jameen pe lagate hain, ek naya plant produce ho jata hai. सो पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, द प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पे फ्यूजन और द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है फ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पहले बनेंगे तभी तो फ्यूज होंगे. यानी प्री फर्टिलाइजेशन इज concerned with the formation of gametes and transport of the gametes, while the post-fertilization, that is the embryogenesis, formation of the embryo and the new organism are formed. Now we discuss about the male reproductive system. Endosium consists of the stamen, and the stamen is a male reproductive organ that is called microphyll. The stamen consists of anther and filament, or anther a lobe hai. This is the anther lobe and this is a filament which is provided the support, which is providing the support to the एंथर लोब. एंथर लोब को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कौन, हमारा फिलामेंट. तो दिस इज अ फिलामेंट एंड दिस इज अ एंथर लोब. एंथर लोब है, इस एंथर लोब के अंदर आपको पॉलन सैक देखेंगे. एंथर लोब हैविंग द पॉलन सैक, एक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को बाई एस्पोरोजिनेट कहा जाता है. और एक एंथर लोब है, दिस इज अ पॉलन सैक है इसके अंदर, और एक एंथर लोब है, दिस इज अ एंथर लोब एंड दिस वन इज फिलामेंट. तो एक ही एंथर लोब है इसलिए इसे मोनोथीकस एंथर कहा जाता है. दे आर कॉल्ड मोनोथीकस एंथर. बट मेजोरिटी ऑफ एंथर आर द लाइक दिस, दो इसके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, दो एंथर लोब होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बाईथीकस एंड दिस इज कॉल्ड टेट्रास्पोरोजिनेट. व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरोजिनेट, बिकॉज दे हैव द एक एंथर लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं, तो 4 पॉलन सैक हो गए, इसलिए टेट्रा एस्पोरोजिनेट कंडीशन कहते हैं. लुक ओवर हियर, दिस इज अ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथर इज टेक प्लेस. प्लांट के अंदर बहुत ही प्रिमिटिव सेल होता है, दिस प्रिमिटिव सेल इज कॉल्ड आर्किस्पोरियल सेल्स.
कुछ आरके स्पोरियल सेल डिवाइड होके चारों कॉर्नर पे अलाइंड हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू. एंड दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू इज फॉर्म द पॉलन सैक. ये पॉलन सैक बनाते हैं. ये पूरा का पूरा मैच्योर एंथर है. दिस इज अ मैच्योर एंथर. ये पूरा का पूरा ये मैच्योर एंथर है. दिस मैच्योर एंथर हैविंग द आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस. फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होगा. फिर उसके बाद अंदर मिडिल लेयर होगा. ऐसा नहीं है कि अंदर वाला एंडोडर्मिस है, वो बीच वाला है. एपिडर्मिस जो होता है आउटर लेयर है जो कि पूरा एक शेप और साइज प्रोवाइड करेगा एंथर का. एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डिहाइसेंस ऑफ एंथर. डिहाइसेंस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना. बीच में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन्स. जो यहाँ पे ग्रूव है दिस ग्रूव इज कॉल्ड स्ट्रोमियन विच इज अ वेरी वीक पॉइंट. और यहीं से जब डिहाइसेंस होगा, जब एंथर टूटता है, तो यहीं से बीच वाले पोर्शन से टूटता है बिकॉज इट इज अ वीकेस्ट पोर्शन. तो ये पहले पूरा लेयर टूटेगा, फिर उसके पॉलन सैक टूटेंगे और फिर बाहर रिलीज हो जाएगा. बट इसको हम एलोबरेट करके देखेंगे तो ऊपर वाला सेल जो होता है इसे हम टपेटम कहते हैं. टपेटम के अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे होते हैं. तो दे हैव अ मल्टी न्यूक्लियेट इन नेचर. एंड दिस टपेटम इज ऑल्सो सिक्रीट अ एंजाइम प्लस हॉर्मोन. यानी एंजाइम और हॉर्मोन दोनों ही सिक्रीट करते हैं. एंड दे फॉर्म अ यूबिस बॉडी. ये यूबिस बॉडी बनाते हैं. एंड दिस यूबिस बॉडी इज फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच इज कॉल्ड एक्साइन. तो एक्साइन इज अ आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच इज अ फॉर्म बाय द टेपेटम. विच इज अ फॉर्म बाय द टेपेटम विच इज फॉर्म बाय द यूबिस बॉडी विच इज फॉर्म बाय द एंजाइम एंड हॉर्मोन. राइट. सो अब हम लेयर के बारे में भी हमने देख लिया, अंदर भी देख लिया. माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज सराउंडेड बाय द सेलुलोज वॉल. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो आरके स्पोरियल सेल मॉडिफाइड टू फॉर्म अ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स एंड द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बिकम अ पॉलन सैक. पॉलन सैक आर लोकेटेड इन द फोर कॉर्नर. जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था, फोर कॉर्नर में लोकेटेड होते हैं. द वॉल ऑफ एंथर, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ द फोर लेयर एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टेपेटम. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. इट प्रोवाइडेड द शेप एंड साइज ऑफ द एंथर वॉल. मैच्योर एंथर का शेप और साइज बनाएगा. दे हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर विच इज रिलीज इन द पॉलन ग्रेन्स. एंडोथीसियम मोर अबाउट दे प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन बिकॉज दे हैव अल्फा सेलुलोज. दे हेल्प इन डिहाइसेंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन्स. मिडिल लेयर इनर टू द एंडोथर्मिस दे हैव एंडोथीसियम. दे हैव अ मिडिल लेयर. एट द मेच्योरिटी दे यूजली डिसइंटीग्रेट एंड दे प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन्स. नाउ वी हैव अ टपेटम. द टपेटम इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल एंड दिस इज अ मल्टी न्यूक्लियेट एज वी स्टेटेड अर्लियर. एंड दे प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स बिकॉज इट सीक्रेट एंजाइम एंड हॉर्मोन विच कंबाइन टू फॉर्म अ यूविस बॉडी एंड फाइनली फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट इज कॉल्ड एक्साइन. अब हम डिहाइसेंस की थोड़ी प्रक्रिया समझते हैं कि टूटता कैसे है. तो देखिए एंथर टूटता कब है, जब इसके वॉल से ये पहले तो फुली मैच्योर हो जाएगा और दूसरा कि इससे पानी लॉस हो जाएगा. तो दैट इज लॉस ऑफ वाटर. तो लॉस ऑफ वाटर होगा तो जो इसके लेयर्स होंगे द लेयर्स आर नॉट अलाइंड एट द सेम पॉइंट और ये आपस में कंबाइन होने लगेंगे और थिन होके टूट जाएगा. जब रप्चर होगा तो पॉलन सैक टूटेगा. पॉलन सैक टूटेगा तो पॉलन ग्रेन्स हवा में जमीन में. ये डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ पे है. अगर बैंक ऑफ द रिवर है तो उसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिवर के अंदर जाएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द मदर पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करें तो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. इट इज अ यूनिसेलुलर हैप्लॉइड. द पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मायोस्टोसिस एंड द लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन सम मेंबर ऑफ कुकरबिटेसी एंड निकटेसी. अब हम लेयर के बारे में अगर बात करें तो एक्साइन सबसे बाहर वाला लेयर होता है जो कि स्पोरोपॉलिनिन से मिलकर बना होता है. और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंस ये प्रोटीन है. इट्स अ नेचर इज प्रोटीन. कोई भी केमिकल कोई भी एंजाइम इसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता. बहुत ही हार्ड लेयर है और इसी स्पोरोपॉलिनिन की सहायता से पॉलन ग्रेन्स को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. तो पॉलन कैन बी वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिनिन. इंटाइन में देखें तो इंटाइन एक कंटिन्यूअस लेयर है और इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. और जब ये डेवलप हो जाए मैच्योर हो जाता है तो पॉलन ट्यूब बनाता है
एंड द पॉलन ट्यूब इज इम्पॉर्टेंट टू कैरी द मेल गैमेट. आपको बीच में ये पूरा एग्जाइन है और एग्जाइन में बीच बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड जर्म पोर, जिसकी सहायता से वाटर मॉइस्चर ये अंदर जाता है और पॉलन को वाइबल बनाता है जब तक उसको फीमेल की प्राप्ति नहीं मिल हो जाती है. नाउ वी हैव एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इन टाइम कम आउट फ्रॉम द जर्म पोर एंड द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब एंड द पॉलन ट्यूब हेल्प इन द मेल गैमेट. And this is entine is made up of pectin and cellulose, pectocellulose in nature. Germ pore, it is a natural gap present between the exine is called germ pore, where the sporopollenin is totally absent. Abhi germ pore alag alag ho sakte hain, teen bhi ho sakte hain, ise tricolpate keh sakte hain, do bhi ho sakte hain, alag alag. So maturity of pollen grains agar dekhen, to aapko ye exine hai aur ye sporopollenin yahan dikhai de raha hai, jo ki exine ke upar hai. ये इंटाइन है और ये साइटोप्लाज्म है. द साइटोप्लाज्म इज कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेटिव सेल्स. साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है और जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बनाते हैं. तो ये डेवलपमेंट जरूर ध्यान में रखिएगा. वेजिटेटिव सेल बड़े होते हैं. दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल एट द मेच्योरिटी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स. दे कम आउट एंड जंप फॉर जनरेटिव सेल्स. ये न्यूक्लियस से मिलकर बने होते हैं और दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलन वायबिलिटी, पॉलन एनर्जी, पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन स्टोरेज. पॉलन वायबिलिटी का मतलब है कि एक बार पॉलन एंथर से रिलीज हो जाए तो कितने देर तक हवा में, पानी में, जहां पे वो प्लांट है वो रहे, तो उसको हम पॉलन वायबिलिटी कहते हैं, राइट. इट इज पीरियड फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट. Pollen viability depend on the environmental condition, temperature, humidity. Pollen viability of rice is 30 minutes, family, Rosaceae, Leguminosae, 1 month, Solanaceae ka 1 month rehta hai. Pollen allergy, bahut sare log isse allergic ho sakte hain. Pollen grains are produced in very large in number which can float in air and water and might be they enter into the respiratory tract and you can allergy toward them and they causes the respiratory discomfort like asthma, bronchitis and etc. The major point, and this is the main point, the major contribution of pollen allergy from the carrot grasses, which is the parthenium, which is contaminated with the wheat plant and spread allergy for entire India, khaskar South India mein sabse jyada hai. Pollen product, as you know that the pollen are very rich in nutrient and they have a fashion in a western country कि उसको एक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है. फूड सप्लीमेंट ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. पॉलन प्रोडक्ट बीइंग यूज इन वैरायटी ऑफ फंक्शन लाइक नेचुरल क्योर, कॉस्मेटिक, फूड सप्लीमेंट. इन वेस्टर्न कंट्री द लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ टैबलेट, सीरप और रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया जाता है, एथलीट्स के परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया जाता है इसका गलत इस्तेमाल करके. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे पॉलन एनर्जी पॉलन के होते हैं. नाउ वी हैव अ पॉलन स्टोरेज. पॉलन कैन बी स्टोर इन मेनी इयर्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट -96 डिग्री सेंटीग्रेड. आया हुआ क्वेश्चन है. सच ए स्टोरेज पॉलन कैन बी यूज इन अ पॉलन बैग, सीड बैंक, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो देयर इज अ क्वेश्चन, द मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म. यस, द टू स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल्स. Pollen tablet are available in market as a supplementary food. And the what is the function of germ pore? Yes, they are important for the initiation of pollen tube. Male gamete in the angiosperm are formed by the division of generative cells. So this is very very easy. Now we are talking about the female reproductive system, that is a carpel or pistil. Pistil consists of a stigma, style, ovary and ovule. Stigma जो होता है अपर मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पे pollen grains stick होते हैं और पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं. स्टाइल ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल पार्ट है जहाँ पे पॉलन ट्यूब बनते हैं. ओवरी नीचे वाला पार्ट होता है, बेसल और बल्जेस पार्ट होता है. उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इस पूरे ओव्यूल को जो सपोर्ट करता है वो थैलेमस सपोर्ट करता है. यहाँ पे फीमेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पे मेल पार्ट भी आपको नजर आ रहा है एंथर के रूप में और ये फीमेल पार्ट है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म आर द बाइसेक्सुअल, राइट. बाइसेक्सुअल गाइनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टिल दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी. गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू पिस्टिल दैट इज कॉल्ड मल्टीकार्पिलरी एंड मोर देन वन पिस्टिल ऑफ ईच अदर दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस. पिस्टल आर नॉट फ्यूज टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस. अगर फ्यूज नहीं है तो एपोकार्पस और फ्यूज है तो सिनकार्पस, राइट. फ्यूज है तो सिनकार्पस.
स्टिग्मा जो होता है अपर मोस्ट पार्ट होता है जहां पे पॉलिन ग्रेन्स लैंड होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और स्टाइल जो होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जहां पे पॉलिन ट्यूब बनते हैं, एंड देन पॉलिन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट. ओवरी बेसल पार्ट होता है, बेसल का मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, बल्जेस पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल. हाइलम एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा समझिए ये ओवरी है और ये ओव्यूल है. तो फ्यूनिकस जो होता है ओव्यूल को ओवरी से जुड़ता है फ्यूनिकस, और हाइलम जो होता है इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जो हाइलम से इसे जोड़ता है, राइट. इंटेगमेंट जो होता है, इंटेगमेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो माइक्रोपिलर पोल से अराइज होता है, जहां पे चलाजल पोर ठीक इसके अपोजिट होता है जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट होता है. आप देख पा रहे हैं इंटेगमेंट नहीं है. इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. फ्यूनिकस इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा. हाइलम इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकलस. एंड इंटेगमेंट इज अ प्रोटेक्टिव एरिया विच इनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द चलाजल पोल, इट अराइजिंग फ्रॉम द माइक्रोपिलर पॉइंट. नंबर ऑफ इंटेगमेंट मे बी वन. अगर इंटेगमेंट एक ही हो तो दैट इज कॉल्ड डाइकॉट. डाइकॉट में होता है, वीट को काट दो, मोनोटैगमिक इसे कहते हैं. नंबर ऑफ इंटेगमेंट मे बी द टू, मोनोकॉट बाइटैगमिक कहते हैं क्योंकि दो है. और नंबर ऑफ इंटेगमेंट थ्री है तो दैट इज कॉल्ड ट्राईटैगमिक, लीची में होता है. और हो सकता है कि इंटेगमेंट प्रोटेक्टिव एरिया ना हो, सो दैट इज कॉल्ड एटैगमिक कंडीशंस. दे आर कॉल्ड एटैगमिक कंडीशन जो कि सेंटेलियम में पाया जाता है. चलाजल पोर जहां पे इंटेगमेंट नहीं होता है, दे आर रिप्रेजेंटेड द बेसल पार्ट, नीचे वाला पार्ट होता है, और ये माइक्रोपिलर के अपोजिट होता है. माइक्रोपिलर पोल जो कि जहां से इंटेगमेंट अराइज होते हैं, और ये अपोजिट होता है चलाजल पोर से, इसलिए इस टाइप के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं. अब हम एम्ब्रियोसेक के अंदर देखें तो आपको चलाजल पोल नजर आएगा. इसको कैसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि चलाजल पोल के पास एंटीपोडल सेल होते हैं, तीन ऐसे, तीन न्यूक्लियस, बीच में पोलर न्यूक्लाई, इसे सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं, सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं. और यहाँ बीच में सबसे नीचे जहाँ पे माइक्रोपिलर पोल है, यहाँ पे एग होगा, और एग के चारों तरफ सिनर्जिट्स होते हैं. इन दोनों को मिला के एग अपैरेटस कहा जाता है, और यहीं पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस भी बोलते हैं. तो एंटीपोडल सेल थ्री इन नंबर, एग अपैरेटस दे कंसिस्ट ऑफ सिनर्जिट और एग, और इस एम्ब्रियो सैक को सेवन सेल और एट न्यूक्लियेट स्टेज कहा जाता है. सेवन सेल और एट न्यूक्लियेट स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोलर न्यूक्लाई के पास दो न्यूक्लियस होते हैं बट कंसिडर द सिंगल सेल. पॉली न्यूक्लाई कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल बट हैविंग द टू न्यूक्लियस. सिनर्जिट सेल दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्प सेल. दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियस सेल्स. दे हेल्प इन गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन साइड द एम्ब्रियो सैक, एंड दे हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द फिलीफॉर्म अपैरेटस. फिलीफॉर्म अपैरेटस द सिनर्जिट हैविंग द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग कॉल्ड द फिलीफॉर्म अपैरेटस, एंड दिस अपैरेटस इज इंपॉर्टेंट फॉर द गाइडिंग द पॉलन ट्यूब विच इज एंटर इन साइड द ओव्यूल. ठीक है, कि कैसे ओव्यूल होगा. अब टाइप ऑफ ओव्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है. ऑर्थोटोपस एक स्ट्रेट लाइन पे सारे अलाइनमेंट होता है, स्ट्रेट विद फ्यूनिकस, एम्ब्रियो सैक, चलाजल, माइक्रोपिलर लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन. पॉलीगोनम ओव्यूल फ्यूनिकस, चलाजल, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपिलर लाई ऑन द सेम वर्टिकल एक्सिस. एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी, बट यस क्वेश्चन आता है. कैसे याद करेंगे, पीएम से याद कर लीजिए. पोरोगेमी माइक्रोपिलर, व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपिलर पोल, माइक्रोपिलर पोल से अगर जाए तो उसको हम पोरोगेमी कहते हैं. चलाजोगेमी खुद से पता चल रहा है कि चलाजल एंड से जा रहा है. पॉलन ट्यूब अगर चलाजल एंड से जा रहा है, चलाजोगेमी. और मीजोगेमी फिर बचा क्या, इंटेगमेंट और फ्यूनिकल्स. तो इंटेगमेंट और फ्यूनिकल से जाए तो उसको हम मीजोगेमी बोलते हैं. अब फिलीफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ, यस इट इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ सिनर्जिट्स. सेम ही क्वेश्चन है. एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपिलर, तो माइक्रोपिलर पीएम से याद आपने किया है, पोरोगेमी. ओव्यूल विद स्ट्रेट फ्यूनिकल्स, एम्ब्रियो सैक, चलाजल जो कि हमने अभी देखा है, दैट का ऑर्थोटोपस टाइप ऑफ ओवुलेशन. ओव्यूल, ओव्यूल. पॉलिनेशन इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स. It is defined as transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower or the different flower. Pollination का मतलब ही यही होता है कि या तो जो transfer हो ये same flower पे हो जाए, same flower पे हो,
या डिफरेंट फ्लावर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट. सो पॉलिनेशन इज टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं. सेम फ्लावर पे हो रहा है, इसी का पॉलिन ग्रेन्स इसके मतलब कि मेल पार्ट इस पे स्टिक हो रहा है. क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, मतलब मेल वाला पार्ट किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा है. तो उसको अब ऐसे क्या कौन से मैथड हैं जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं. द कॉन्ट्रावेंसेज ऑफ द मैथड टू प्रमोट अ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट. द फर्स्ट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअलिटी. द सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट. द होमोगेमी, द मेच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गेन एट द सेम टाइम. इन द सम प्लांट द स्टेमेन एंड कार्पल एंड दे मेच्योर एट द सेम टाइम. देयरफॉर द पॉलिन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर कैन बी पॉलिनेट द स्टिग्मा. पॉलिनेशन को हम इस टेबल की सहायता से सारे चीज़ समझ सकते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी हो सकता है, सेल्फ फ्लावर मतलब सेम फ्लावर के ऊपर हो सकता है. एक गेनाइटोगेमी से क्वेश्चन आया है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी से कहते हैं. एबायोटिक कंडीशन हो सकता है एनीमोफिली दैट इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन हवा के थ्रू, और हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन. एंड बायोटिक एजेंसी एंटीमोफिली इंसेक्ट, क्राइटोफिली बर्ड्स, मैक्लोपैथी बर्ड्स से पॉलिनेशन होता है. क्लेस्टेगेमस फ्लावर एक ऐसे फ्लावर होते हैं जो मैच्योरिटी के बाद भी इनसे एंथेसिस नहीं होता, ये खिलते नहीं, इनके फ्लोरल अपेंडिस जो है ओपन नहीं होते हैं. तो जब फ्लोरल अपेंडिस ओपन नहीं होंगे तो मेल और फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं होंगे, तो ना कोई जाएगा ना कोई आएगा. तो यस, द सेम फ्लावर डू नॉट ओपन, सम फ्लावर डू नॉट ओपन इवन आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड क्लेस्टेगेमस फ्लावर. इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर एंड सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन इट. द क्लेस्टेगेमस फ्लावर देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. बाल्सम ऑक्सैलिस वायोला. नाउ वी हैव अ फेल सेफ मैकेनिज्म. वेन द क्रॉस पॉलिनेशन फेल, द सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन द सम प्लांट. पोटैटो, स्टिग्मा बेंड ओवर द एंथर एंड रिसीव द पॉलिन ग्रेन्स. और मिराबलिस मतलब कि उसी का जो है पॉलिन ग्रेन्स उस पर स्टिक नहीं हो पा रहा है, तो कोई दूसरा आएगा. तो दैट इज कॉल्ड फेल सेफ मैकेनिज्म. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. इट मेंटेन द पैटर्नल कैरेक्टर, क्योंकि कोई दूसरा तो आ नहीं रहा है तो सेम कैरेक्टर मेंटेन होगा काफ़ी देर तक. दे नो नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, क्योंकि वहीं पे जाना है तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स की जरूरत नहीं पड़ती है. फ्लावर डू नॉट डेवलप एनी डिवाइसेस टू अट्रैक्ट अ इंसेक्ट, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है. कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, न्यू कैरेक्टर नहीं बन सकते हैं. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बार बार उसी से हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी. एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगेमस, यस, नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर. ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड गेनाइटोगेमी. नाउ वी हैव अ क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर. तो कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसे कौन से मेथड है जिससे हम क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं. ऑब्वियस है यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, या अगर बाइसेक्सुअलिटी हो तो मेजोरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पे हो, दैट इज कॉल्ड डाइकोगेमी. डाइकोगेमी दैट इज अ मेल एंड सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम. प्रोटो एंट्री या प्रो एंट्री, अगर मेल पोर्शन मेल पार्ट जल्दी मेच्योर हो जाए, द मेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर अर्ली, रोज एंड सनफ्लावर. एंड प्रोटोगाइनी, द फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर अर्ली, दैट इज कॉल्ड मिराबलिस जलापा. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इससे. वेन द पॉलिन ग्रेन्स फेल टू जर्मिनेट इट्स ऑन स्टिग्मा, अपना ही मतलब उसी का मेल मेल वाला पार्ट, उसी का पॉलिन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो कोई दूसरा आएगा. क्यों नहीं जर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ स्टेराइल जीन है S1 and S3 पिस्टल और पोलन के अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है. टोबैको, पोटैटो, क्रूसीफर इसके एग्जाम्पल हैं. तो एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज. क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूस द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अलग अलग कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. हैंस द वेरिएशन इन द प्रोजेनी, वेरिएशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग टुवर्ड द चेंज इन एनवायरमेंट. ऑब्वियस है कि अगर नए कैरेक्टर आएंगे तो एटमोसफेयर में कितना भी बदलाव आए उसके लिए वो एडेप्टेबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी, सहनशीलता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी,
प्लांट इट सेल्फ वॉन्ट टू द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट को भी पता है कि एटमोसफेयर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और उसको सस्टेन करने के लिए उसके अंदर चेंजेस होना बहुत जरूरी है. इट मेक द ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड फॉर द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर द प्रोडक्शन. डिसएडवांटेज क्या है कि आप खुद से अगर करना चाहते हैं तो ये इकोनॉमिकल नहीं है. सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर में भी द क्रीप इन द रेसेस, आप उसको रोक नहीं पाओगे. कुछ टाइप हैं क्रॉस पॉलिनेशन के और इसको ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं. अनीमोफिली खासकर एग्जाम्पल, अनीमोफिली का मतलब है कि अगर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको हम अनीमोफिली कहते हैं. द मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मैच्योर एंथर टू मैच्योर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल थ्रू द विंड, हवा के थ्रू. क्या क्या एग्जाम्पल है? कोकोनट, पाम, मेज, मिनी ग्रासेस, कैनाबिनेस और मलबेरी. इसे क्वेश्चन आया हुआ है. क्या करेक्टर होंगे हवा के द्वारा? अब हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिन ग्रेन्स हल्के होना चाहिए, नहीं तो हवा उन्हें उड़ा नहीं पाएगी. तो फ्लावर इज वेरी स्मॉल, इनकॉन्पीसियस, नॉन एसेंशियल पार्ट में भी द आइदर एबसेंट और रिड्यूस. द फ्लावर में भी द कलरलेस ऑर्डरलेस, क्योंकि कलर वलर की क्या जरूरत है, हवा को उड़ाना है. पॉलिन शुड बी वेरी लाइट, भारी नहीं होना चाहिए. कैनाबिनेस और मेज इसके एग्जाम्पल है. हाइड्रोफिली पानी के द्वारा, इट इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द वॉटर. क्या फीचर हो सकते हैं? फ्लावर आर वेरी स्मॉल और इनकॉन्पीसियस, नेक्टर और ऑर्डर इज एब्सेंट. द पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट और अनबेटेबल ड्यू टू द म्यूसिलेज कवरिंग, क्योंकि अगर ये गीला हो जाएगा तो इसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी, तो इसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है. स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिकी बट अनबेटेबल. एंड एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, जोस्टेरा एंड केराटोफाइलम. अब पानी के द्वारा पॉलिनेशन, पानी के सतह के ऊपर पॉलिनेशन होता है और पानी के अंदर हो सकता है. जो सतह के ऊपर हो तो एपी, एपी का मतलब ऊपर, एपी हाइड्रोफिली दैट टेक प्लेस ओवर द सर्फेस ऑफ द वॉटर. एग्जाम्पल इज वेलिसनेरिया. हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर अगर हो तो टेक प्लेस बिलो द सर्फेस ऑफ द वॉटर. जोस्टेरा लार्जेस्ट पॉलिन ग्रेन्स मरीन एंजियोस्पर्म के माना जाता है. जू का मतलब एनिमल्स, पॉलिनेशन थ्रू द एनिमल्स. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनिमल्स इज इंसेक्ट, एस्टेरेसी फैमिली. ऑरिंथोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड द फादर ऑफ ऑरिंथोलॉजी डॉक्टर सलीम अली. तो बर्ड्स पॉलिनेशन, बॉम्बक्स, रेड सिल्क, कॉटन ट्री. क्रैप्टोफिली बैट पॉलिनेशन, एडेंसोन. कुछ एग्जाम्पल एमसीक्यू, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस. एनिमल वैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन इज ककम्बर. And wind pollination of the flower is the small provided the large number of dry pollen and halke pollen. Anemophily coconut ke andar hota hai. Outbreeding devices or contrivances to ensure the cross pollination. Aise kaun se method hai jisse cross pollinations so ho sakte hai. Aur outbreeding devices ka matlab hai aise devices, aise yantra jo plant apna khud se develop kare. Ab plant to market mein nahi jayega ki apne andar device laga le. तो खुद प्लांट क्या चाहता है? प्लांट चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन. तो हम यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड समझेंगे. प्लांट चाहता है कि वो यूनिसेक्सुअल हो. प्लांट चाहता है अगर बाइसेक्सुअल हो तो मैच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे हो. प्लांट चाहता है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाए, राइट, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए. तो प्लांट प्रोड्यूस अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. पॉलिन ग्रेन्स लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट. सो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन दे रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. So flowering plant develop many devices to discourage the self-pollination. मतलब plant खुद ही नहीं चाहता है कि self-pollination हो and encourage the cross-pollination. तो pollen release before the stigma development. अगर female develop नहीं है और पहले ही pollen grains release हो जाए. Some species of anther and stigma place at the different position, दूर दूर हो. तो अगर मान लो कि flower है और इसका pollen grains male part यहाँ पे, female part यहाँ पे है, और यहीं पे flower है और इसका फीमेल, ये फीमेल है या मेल पार्ट है, तो ये नज़दीक नज़दीक है, दूर है. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और इन सेल्फ दैट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. नाउ वी हैव अ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन. पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि पिस्टल के पास आज़ादी होती है कि पॉलन को रिकोगनाइज करे, पॉलन को पहचाने कि उसके लिए कौन सा पॉलन सही है, कौन सा पॉलन गलत है. तो पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकोगनाइज विच पॉलन इज राइट एंड विच पॉलन इज रॉन्ग. If it is a right type, then this pollen is accepted by the, this pistil is accepted by the pollen, otherwise rejected. So how this pistil is decided
कि यू राइट टाइप है रॉन्ग टाइप है, इट्स डिपेंड ऑन द जीन एक्चुअली. तो पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलिन ग्रेन्स वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप. इट इज इफ इट इज राइट टाइप देन इट्स एक्सेप्टेड बाय द पिस्टल एंड प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वट एवर द प्लांट. द एक्सेप्शन और रिजेक्शन ऑफ पिस्टल इज ड्यू टू द केमिकल प्रेजेंट इन साइड द पिस्टल एंड पॉलिन. अगर पिस्टल के अंदर केमिकल और पॉलिन के अंदर केमिकल सेम है तब ये राइट टाइप कहलाएगा और राइट टाइप जो है जाके पॉलिनेट करेगा. इफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिन एंड पिस्टल आर सेम देन पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलिन ग्रेन्स अदरवाइज रिजेक्टेड. एंड येस इट इज न्यूली कंसेप्ट विच इज डेवलप्ड बाय द बॉटनिस्ट इन रिसेंट ईयर. और ये डायनेमिक प्रोसेस ये बदल भी सकता है, कोई फिक्सिटी नहीं होती है. नाउ वी हैव आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज द एक्ट बाय विच द ब्रीडिंग ऑफ वन वराइटी ऑफ प्लांट टू द अनदर वराइटी ऑफ प्लांट. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स में भी होता है, प्लांट में भी होता है. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया आप क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं. मैथड ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन. दिस इज द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन और बैगिंग. बैगिंग में क्या कर सकते हैं, जो भी आपने मेल पार्ट को हटाया तो या तो फीमेल पार्ट को कवर कर दीजिए, या इवन मेल पार्ट को भी कवर करना होता है क्योंकि एटमोसफेयर में बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उससे कॉन्टामिनेट होकर उसके नेचर को खराब कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विज डिस्कवर बाय स्टार्स बर्जर एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक, क्योंकि वहीं पे एग होता है इसलिए एम्ब्रियो सेक में होता है. पॉलिन ग्रेन्स रिसीव द स्टिग्मा, हैव अ जर्मिनेट एंड पॉलिन ट्यूब एंड कैरी द मेल गैमेट टुवर्ड द एग एंड पोलर न्यूक्लाई. एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट द मेगा गैमेटोफाइट, राइट. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दे आर डिस्कवर बाय नवास्चिन इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट. तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, क्योंकि दो मेल गैमेट बनते हैं, क्योंकि मेल गैमेट जनरेटिव सेल से बनते होते हैं, जनरेटिव सेल हमारे न्यूक्लियस से डेराइव होते हैं. तो वन मेल गैमेट इज फ्यूज विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट एंड अदर मेल गैमेट इज फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लाई और सेंट्रल सेल, दे फॉर्म अ एंडोस्पर्म. तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सिनगैमी में मेल गैमेट और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ओव्यूल बनेगा और ओव्यूल से सीड बनेगा. अब इस प्रक्रिया को करने के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए एंड न्यूट्रिशन आर गिवन बाय एंडोस्पर्म. न्यूट्रिशन आर गिवन बाय एंडोस्पर्म. तो हाउ द एंडोस्पर्म आर फॉर्म, एक दो दूसरा मेल गैमेट है पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज होगा, 2N और N 3N बनेगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और फाइनली एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म इसको सपोर्ट करेगा, जो जाइगोट है एम्ब्रियो बनाएगा, ओव्यूल और सीड में परिवर्तित हो जाएगा. तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन कंसिस्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज स्पेंड टू फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड फाइनली डेवलप द एंडोस्पर्म जाइगोट मॉडिफाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो. सिनगैमी इज जस्ट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड अदर मेल गैमेट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस. रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंक्लूड द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. नाउ एंडोस्पर्म में एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड फाइनली फॉर्म द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज कैरेक्टराइज स्टोरेज ऑफ टिश्यू विच इज सप्लाई द न्यूट्रिशन एंड डेवलपिंग द एम्ब्रियो. डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन द एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म आर द थ्री टाइप, द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कॉकोनट, हेलोबियल एंडोस्पर्म पी, बीन्स, कैस्टर, अरेका विच इज सुपारी एंड डेट पाम, सेलुलर एंडोस्पर्म बालसम, धतूरा, प्यूटेनिया. इन दोनों के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, बट एग्जाम्पल जानना है, हम न्यूक्लियस एंडोस्पर्म के बारे में डिटेल पढ़ें. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइडेड रैपिडली विदाउट द सेल फॉर्मेशन, विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लाई. सेंट्रल वैक्यूल्स अपीयर इन सेंट्रल सेल्स एंड पुश द साइटोप्लाज्म. पहले तो ये क्या होता है कि एक वैक्यूल बनेगा जो इसके अंदर एंडोस्पर्म है ये पेरिफेरी के ऊपर शिफ्ट होते रहेंगे और ये मोटे होने लगते हैं और वैक्यूल डिसअपीयर हो जाता है और कोकोनट वॉल चारों तरफ पेरिफेरी पे बन जाता है, कोकोनट बन जाता है. द साइटोप्लाज्म थिकन सो दैट द वैक्यूल डिसअपीयर इन साइज. द कोकोनट वाटर इज नथिंग बट दे आर द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विच इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ फ्री न्यूक्लियाई. व्हाइट कर्नल्स विच इज डिपोजिट एट द पेरिफेरी एंड एंडोस्पर्म मे बी आइदर कंज्यूम
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पी ग्राउंडनट और बीन्स इंपॉर्टेंट है. एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है पी में, ग्राउंडनट में और बीन्स में. और एंडोस्पर्म परसिस्ट भी रह सकता है कोकोनट और कैस्टर में. जो कोकोनट आप पीते हैं पानी परसिस्ट रहता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले धीरे धीरे ये डिवाइड होता है, फिर चारों तरफ डिवाइड होगा, चारों तरफ एक पेरिफेरी बना लेगा, वाइट कर्नल्स. एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में देखिए जरा कि एम्ब्रियोजेनी इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एंथर मैच्योर एम्ब्रियो टू फॉर्म अ जायगोट. एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियोजेनी से बोलते हैं. और यहाँ पे देखेंगे तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सिनर्जिट का कुछ काम नहीं होता है, तो डीजेनरेट द सिनर्जिट, सिनर्जिट डीजेनरेट हो जाते हैं. जायगोट रहता है तो दिस इज अ जायगोट और यहाँ पे पूरा एंडोस्पर्म बनेगा. यहाँ पे भी एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो जाते हैं. अब जायगोट का ये डेवलपमेंट है, जायगोट पहले अनइक्वल डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बाद एपिबेसल टायर हाइपोबेसल टायर बनाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप यंग एम्ब्रियो बनता है, फिर मैच्योर कोटिलेडॉन बनता है जिसके अंदर रेडिकल होते हैं जो कि रूट इससे डेवलप होता है, फिलिम्यूल से शूट डेवलप होता है. तो जाइगोट अंडरगो द ट्रांसवर्स अन इक्वल डिवीजन टू फॉर्म अ लार्ज सस्पेंसर सेल एंड अ स्मॉल एम्ब्रियो सेल. सस्पेंसर सेल हेल्प इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो अंडरगो द वर्टिकल डिवीजन एंड वन ट्रांसवर्स डिवीजन. हाइपोबेसल टायर एपिबेसल टायर बनाते हैं. और दो टाइप के एम्ब्रियो होते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो. डाइकोट में टू कोटिलेडॉन प्रोड्यूस होते हैं, पी एग्जाम्पल है. तो कोटिलेडॉन में आप देखेंगे तो आउटर एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, फिर उसके जस्ट नीचे हाइपोकोटाइल होता है और एक कोटिलेडॉन होते हैं. तो टू कोटिलेडॉन, एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल. रूट टिप जो होता है दे आर कवर्ड बाय द रूट कैप और रूट कैप के अंदर म्यूसिलेज सिक्रीट होते हैं जो शुगर लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया आके और सॉइल के विस्कस नेचर को डिस्टॉर्टेड करते हैं और रूट नीचे की तरफ पेनिट्रेट होता है. डाइकोट एम्ब्रियो में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्लीम्यूल वाला हिस्सा है, दिस इज कोटिलेडॉन, दिस इज अ हाइपोकोटाइल रेडिकल और रेडिकल को जो कवर करता है रूट कैप करता है. एपिकोटाइल आउटर कवरिंग है कोटिलेडॉन का विच इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ प्लीम्यूल गिव रेस टू द शूट ऑफ द प्लांट. और हाइपोकोटाइल जो होता है इट इज अ सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द एपिकोटाइल विच इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ रेडिकल विच गिव राइज टू द रूट टिप विच कवर बाय द रूट कैप. प्लीम्यूल गिव राइज टू द शूट एंड रेडिकल गिव राइज टू द रूट. मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडॉन होगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा. एपिकोटाइल कोटिलेडॉन के ऊपर होगा, हाइपोकोटाइल नीचे रहेगा, प्लीम्यूल से शूट आएगा, रेडिकल से रूट आएगा. बट इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये वाला कॉलियोप्टाइल. कॉलियोप्टाइल जो होता है प्लीम्यूल को कवर करता है क्योंकि पी से शुरू हो रहा है, कोलियो कोलियो सेम है, यहाँ पे आर से शुरू हो रहा है तो ये रेडिकल को कवर करेगा. तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लीजिएगा. क्वेश्चन करते हैं, कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट इज वॉट? इट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सिनगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. सिनगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर बाय नवासिन एंड ग्रिनार्ड. तो नवासिन एंड ग्रिनार्ड को ध्यान रखिएगा. नाउ वी हैव अ सीड फॉर्मेशन. बायोलॉजिकली सीड इज डिफाइंड एज राइपन ओव्यूल. ओव्यूल जब राइप हो जाता है सीड बनाता है. सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सीड के दो चीजें होती हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो. सीड कोट में दो चीजें होती हैं, टेस्टा और टेगमेन. टेस्टा इज डराइव फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट और टेगमेन इज डराइव फ्रॉम द इनर इंटेगमेंट. एम्ब्रियो इज जस्ट इनर मोस्ट पार्ट होता है, राइट. सो मेच्योर सीड के दो प्रकार होते हैं, नॉन एल्बुमिनस एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस एंडोस्पर्मिक. अब नाम से प्रतीत हो रहा है कि नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब कि कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचेगा. पी ग्राउंडनट द देर इज नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म एंड इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. और एल्बुमिनस सीड दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, दे हैव अ रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज अप, नेट नॉट कम्प्लीटली यूज अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर. सम सीड सच एज अ ब्लैक पीपर एंड वीट द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इज ऑल्सो परसिस्ट एंड द परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरी स्पर्म. इन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. सीड को कैसे जर्मिनेट करा सकते हैं? इम्बाइबेशन.
जो सीड इज अ दैट सॉलिड पार्ट, और जब आप उसको मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है उसके ऊपर चिपकेगा और जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा. इनिशियली एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, बाद में वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ फैक्टर होते हैं सीड को जर्मिनेट करने में, पानी, टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन. डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि अगर आपके घर में अगर सीड है, राजमा है, वीट है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है. तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी. एंड वॉट इज द एडवांटेज ऑफ सीड? दे आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. दे आर स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल. जो भी हम खाते हैं, वीट, वीट जो हम रोटी खाते हैं, वीट से आता है, और वीट जो है एक सीड है. सीड इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर. द हार्ड सीड कुड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. एल्बुमिनस सीड स्टोर द रिजर्व, दैट रिजर्व फूड मटीरियल इज यस एल्बुमिनस सीड, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय पी. पेरीस्पर्म इज अ रेमिनेंट परसिस्टेंस न्यूसेलस. फ्रूट, बायोलॉजिकली फ्रूट इज कॉल्ड राइपेंड ओवरी. जब ओवरी राइप हो जाता है तो फ्रूट बनाता है. फ्रूट के दो प्रकार होते हैं, सच्चा फ्रूट, झूठा फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट. ट्रू फ्रूट का मतलब होता है कि when the fruit is developed from the ovary, ovary से develop होता है तो उसे true fruit कहते हैं, mango. और ovary के अलावा किसी अन्य part से develop हो तो that is called false fruit. Apple, strawberry, they are developed from the thalamus, not a ovary. Pericarp जो होता है outer layer होता है, तो pericarp is a outer layer of fruit and it consists of the epicarp. It consists of the epicarp which is the outer covering, mesocarp middle covering, और एंडोकार्प दैट इज द इनर मोस्ट कवरिंग. तो जो ये आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड आउटर लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एपिकार्प, फिर बीच में मेसोकार्प और अंदर सीड होता है. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, द फ्रूट विच इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. एंड दे आर सीडलेस फ्रूट. दे कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एग्जाम्पल बनाना. एपोमिसिस का मतलब होता है, एपो का मतलब विदाउट, मिसिस का मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट. तो एपो का मतलब विदाउट और मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स. दे आर मेड अप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर मेड अप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विद द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. एंड इन सिट्रस एंड ओपंशिया द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स अदर देन एग लाइक न्यूक्लियस और इंटेगमेंट. एक होता है रिकरेंट एगोस्पर्मी. ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेल्स आर डिप्लॉयड एज इट इज डायरेक्टली आइदर फ्रॉम द न्यूसेलर सेल्स एपोस्पोरी एंड डिप्लॉयड मेगास्पोरी मदर सेल दैट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी. पॉलीएम्ब्रोनी, पॉली का मतलब एक से ज्यादा. अगर एम्ब्रियो के अंदर बहुत ज्यादा सीड अगर प्रेजेंट हो, है ना, एम्ब्रियो के अंदर एक से ज्यादा सीड हो तो दैट इज पॉलीएम्ब्रोनी. एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय लेवन हो. पॉलीएम्ब्रोनी यूजली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट कुछ कुछ एंजियोस्पर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे. तो पॉलीएम्ब्रोनी इज डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड. कौन कौन से एग्जाम्पल है? लेमन, ऑरेंज, अनियन, ग्राउंडनट, मैंगो. सिट्रस जितने भी प्लांट है मोस्ट कॉमनली आपको वहां पे पॉली एम्ब्रोनी पाए जाएंगे. पॉलीएम्ब्रोनी के दो पार्ट होते हैं, सिंपल पॉलीएम्ब्रोनी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रोनी. सिंपल, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक, हेंस द फर्टिलाइजेशन मोर देन वन एग, ब्रासिका. डेवलपमेंट ऑफ वन एम्ब्रियो फ्रॉम द अदर सेल्स दैट इज कॉल्ड इंटेगमेंट. सिट्रस और मेंजीफेरा इज अ एग्जाम्पल. सिट्रस एंड मेंजीफेरा इज अ एग्जाम्पल. पॉलीएम्ब्रोनी इज मेनली फीचर इन सिट्रस. सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, और वीडियो अच्छी लगी है आपको पक्का मुझे पता है कि, तो लाइक जरूर कीजिएगा, राइट. इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए ताकि वो भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें. पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. रेड कलर का जो बटन है उसे दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, उसमें ऑल प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियो को आप कभी भी मिस ना करें और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अटेंड कर पाएं. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू.